हम देख रहे अलग अलग जगहों में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, आज अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया, मैं विश्वास करता कल आप लोगों के द्वारा परमेश्वर कार्य करेंगे। हालेलुया, पर तैयार होने एक प्यास हमारा अंदर आना है। हालेलुया, परमेश्वर ने चुन लिया, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होना है। हालेलुया, इस पृथ्वी पर बहुत लोग आया चला गया, परंतु परमेश्वर हमें रखा हुआ क्यों? हमारे द्वारा परमेश्वर के कुछ कार्य करना है। हालेलुया, अगर आप उसके लिए तैयार है, पवित्र आत्मा उसके लिए तैयार है। हालेलुया, अब जल्दी से जल्दी एक वचन और पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। वचन संख्या 42 पर हम आएंगे। उसके पहले पता 42 उस भाई के देना। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ठीक है, हालेलुया। पहले क्या हुआ, जैसे हिरनी पानी के ओर हाँफते हैं, दौड़ते हैं, ऐसे प्रभु में तेरी ओर आने चाहता। हालेलुया, एक मैंने पहले बोला कि प्यास हमारा अंदर आना है, हर दिन उस परमेश्वर को निकट निकट जाकर जानना है, वो अनुभव करना है। हालेलुया, हालेलुया, हम सबको प्रेम करने वाले का परमेश्वर है, हम सबको प्यार करने वाले का परमेश्वर है, उसको निकट जाकर हमें जानना है, उसको उपस्थिति अनुभव करना है। यहाँ पे उल्टा नहीं, माइक उल्टा पकड़ना। हालेलुया, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे हिरणी पानी की ओर दौड़ता है। आपको मालूम है हिरणी के छोटा सा एक जानवर है, पर दो कास जो खाते 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 उनको पानी चाहिए। हालेलुया, तो पानी के लिए वो दौड़ता है। परमेश्वर उसके अंदर एक गुफी दिया हुआ, किलोमीटर दूर अगर पानी है, वो स्मेल से उसको पता चलता है फलाने जगह में पानी है। हालेलुया, उस पानी के लिए वो दौड़ता है। उस रास्ते पे अगर कोई शेर ने कोई जानवर कोई उसको खाने के लिए कोई जानवर खड़ा है, तभी भी उसको परवाह नहीं करता। हालेलुया, ताकि उसके एक ही लक्ष्य है, मुझे पानी चाहिए। हालेलुया, उस लक्ष्य की ओर वो दौड़ता है। अगर कोई बीच में पकड़ ले तभी भी और रुकता नहीं है, ताकि उसको पानी चाहिए। हालेलुया, ऐसे हमारे जीवन में भी ये हालेलुया प्यास हमारा अंदर आना है। हालेलुया, चाहे संसार जितने संसार की कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में आता है, दुख आया, समस्या आया, प्रॉब्लम आ गया, पर उस प्रॉब्लम को दूर कर कर है, हालेलुया, अब यीशु की ओर देखना है। हालेलुया, हम यीशु की ओर देखना है, उसके साथ दौड़ने के लिए हमें तैयार होना है। हालेलुया, तब हमारा जीवन आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए मैं आज एक छोटी सी बात बोलकर मैं प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर एक प्यास आना है। हालेलुया, मैं सच बोलना चाहता हूं, यीशु की आगमन बहुत निकट है। हालेलुया, एक दिन हमें लेने के लिए यीशु आएंगे। कितने लोग जाएंगे? हाथ नहीं उठाना। हालेलुया, झूठ बोलेगा पता भी नहीं है मेरे को, हाथ नहीं उठाना। पर अपने आप को देखो, अगर आज यीशु आया जरूर जाएंगे, ना जाएंगे अपने आप को देखो, अगर नहीं है तो आज तैयार हो जाओ। हालेलुया, देख लो मेरे मन में कलीसिया में जो आता है एक कुछ तैयारी करता है। कलीसिया के अंदर जो आएंगे, एक गाड़ी जो वर्षों में आता है, क्यों वर्षों में आता है? उनके कोई कमी होगी, कोई ठंडी की पेंटिंग करना है ना, पर तो यहां से निकल जो वर्षों से अंदर से उस गाड़ी निकलेगा बिल्कुल ठना ठन होकर निकलेगा। हालेलुया, कभी कभी ये भी एक वर्षों है, ताकि कोई कमी कटी कमी है वो दूर कर कर परमेश्वर को सही कर कर बाहर निकालना चाहता हूं। अगर आप उसके लिए तैयार है तब परमेश्वर कार्य करेंगे। हालेलुया, वो गाड़ी बोलेंगे मुझे मारना नहीं, पीटना नहीं, मुझे रगड़ना नहीं है, मैं ऐसी ऐसी है तो वैसे ही वैसे निकलेंगे।
अगर वो गाड़ी उसके लिए तैयार है भाई, उसके हालेलुया वर्षों के जो इंचार्ज को बोलेंगे जो कुछ भी करो पर दो मुझे सही करके बाहर निकालो, उसके लिए तैयार हो तो हालेलुया वो मैकेनिकल क्या करेंगे, उसके कमियों को देखेंगे, हालेलुया उसके कमियों को दूर कर कर हाल अच्छी तरह पेंट करके उसको बाहर निकालेंगे। हालेलुया कलीसिया में विश्वास करते हुए वर्षों पर हालेलुया जो कमियों को दूर कर कर आपको सही कर कर हालेलुया बाहर निकालेंगे। हालेलुया उस वर्षों की इंचार्ज है वो जो मैकेनिकल है उसके अंदर एक हाल योजना है, जैसे पवित्र आत्मा की योजना है आपको सही कर कर यीशु के पास लेके चलने के लिए। हालेलुया हालेलुया उसी लिए हमें तैयार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो मैं फिर से आपको बात बताना चाहता हूं, एक प्यास हर दिन हमारे अंदर आना है। इस संसार की दौड़ हमने दौड़ दौड़ कर थक चुका, हालेलुया फिर भी हम बोलेंगे आशीष चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ देने के लिए हम तैयार नहीं है, जैसे अभिषेक ने प्रचार किया, हाँ हालेलुया एक उत्तम परमेश्वर को देने के लिए हम तैयार हो जाओ। अगर आप परमेश्वर के उत्तम देगा तो जरूर परमेश्वर भी आपके लिए उत्तम, उससे उत्तम परमेश्वर आपको भी दे देंगे। हालेलुया हालेलुया पिता ने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए बलिदान दे दिया, कर दिया, दे दिया, एक उत्तम हमारे लिए परमेश्वर ने बलिदान दे दिया, कर दिया, तो हम भी एक उत्तम परमेश्वर को देने की कोशिश करो, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करेंगे। हालेलुया एक वचन और हम पढ़ेंगे, वचन संगीता पे आएंगे 27 पे आएंगे, वहां पे एक बात है वो भी मैं बोलकर प्रार्थना करेंगे। 27 की 4 हम पढ़ेंगे। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा के मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया आपका मालूम है ये लिखने वाले के दाऊद राजा था, और उस जगह में अगर हम खड़ा होते तो हमसे परमेश्वर पूछे क्या चाहिए, हम क्या बोलेंगे, धन दौलत पड़ोसी देश, है ना। हालेलुया हमारे मन में जो जो आता है वो सब कुछ हम बोलता था, परंतु दाऊद को देखो, दाऊद को सब कुछ परमेश्वर ने दिया, फिर भी दाऊद एक प्रार्थना कर रहा, खुदा मैं और निकट आना चाहता हूं, मैं जीवन भर तेरे मंदिर में रहना चाहता हूं, मैं तेरा खूबसूरती को देखना चाहता हूं। हालेलुया मुझे कोई पड़ोसी राज्य नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर उनको मालूम था अगर परमेश्वर है सब कुछ है। हालेलुया अगर यीशु आपके पास है सब कुछ आपके पास होंगे, अगर यीशु नहीं है आपकी जीवन शून्य है। इसलिए आज है, अगर यीशु आपके जीवन में नहीं है उस यीशु को लेकर चलने के लिए कोशिश करो। हालेलुया वो जान लो, निकट जान लो, जितने आप जा सकता है उतने आप जा सकता है। पुराना नियम के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति जो उस मंदिर में आता था, हमारे जैसे लोग बिल्कुल बाहर आंगन में खड़ा होकर उस उपस्थिति को देखता था परंतु अनुभव नहीं कर पाता था। परंतु 2015 साल के पहले हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया। बाइबल ने कहा उस मंदिर की पर्दा ऊपर से नीचे तक अलग हो गया। अब आलेलुया अति पवित्र स्थल में क्या है हम डायरेक्ट देख सकता है। हालेलुया इतना सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने कर दिया, हम अभी भी बाहर खड़ा होता ऐसे ना होने पाए। यहां पे दाऊद बोल रहे मैं प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर की खूबसूरती को देखना चाहता हूं, क्योंकि ने परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में किए हुआ उपकार के लिए वो धन्यवाद करता। वो जंगल में था, कोई योग्य तो नहीं था, परमेश्वर ने वहां से निकाल कर उसको राजमहल में बिठा दिया, राजकुर्सी में बिठा दिया, राजा बनाया। फिर भी वो बोल रहा है प्रभु तूने मुझसे वहां से यहां तक लेके आया, उस परमेश्वर को जानने के लिए और कोशिश कर रहा है। आज मैं वही बात आपको बोलना चाहता हूं, चाहे संसार कुछ भी करे,
एक सच्चाई आपने जान लिया, एक जीवित परमेश्वर ने आपको मिल गया, उसको छोड़ना नहीं। हालेलुया, उसके साथ चलेगा आप ही आशीष पाएंगे, आपकी पीढ़ी आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक पद और पढ़ना है, व्यवस्था 30:14, व्यवस्था 30 अध्याय। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराए देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें तुम्हें आज ये चेतावनी देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। हालेलुया। एक विस्तार से प्रचार करने वाले एक विषय, दो मिनट में नहीं पाएंगे। आपने सुना, घर जाके दोबारा पढ़ लेना। वहां पे लिखा हुआ जीवन और मृत्यु, अनुग्रह और शाप हमारे सामने रखा हुआ। हालेलुया। उसके ऊपर कौन सी चुनना है ये हमारे ऊपर है। हालेलुया। कौन सी चुनना है हमारे ऊपर। ये बात आज भी पिछले 2016 साल से मेरे जैसे लोग प्रचार कर रहे हैं। हमने एक सच्चाई जान लिया, उस सच्चाई पे बने रहो, आपके जीवन आशीष हो जाएंगे। परमेश्वर भी चाहता हूं, मैं हम भी चाहता हूं आप लोग जीवित रहे। व्यवस्था 8 अध्याय में लिखा हुआ, तो जीवित रहो, बढ़ते रहो। हालेलुया। जब जीवन है तो तब बढ़ेंगे। उसके लिए अगर सच्चा परमेश्वर आपके जीवन में है, आपके जीवन ये आशीष मिल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यहां पे लिखा हुआ, मूसा अपने लोगों को बोल रहा है, उस बंधुआई से तुम्हारे लोगों को छुटकारा देने वाले का परमेश्वर जीवित है। आपको मालूम है 40 साल परमेश्वर सुर्ख से उसको खाना खिलाया, 25 लाख अधिक लोग वहां पे था। हर दिन परमेश्वर ठीक टाइम पर उसको खाना खिलाता था, पानी पिलाता था। बाइबल में लिखा हुआ, दिन में बादल की खंभा खड़ा किया और रात को अग्नि का खंभा खड़ा कर परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। हालेलुया। वो सारे लोग जान लिया एक जीवित परमेश्वर है, फिर भी अपने पुराना हाथ तो कुछ लोग छोड़ा नहीं। इसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, सच्चाई तो जान लिया, उतार भी पा लिया, फिर भी पुराना हाथ तो छोड़ा नहीं है। ऐसे है तो आज छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों साथ चलना मुश्किल है। एक साइड में संडे संडे परमेश्वर चाहिए, यीशु चाहिए, मंडे से संसार चाहिए। कब तक ऐसे चलेंगे। हालेलुया। नहीं तो आप संसार में रहो, नहीं तो परमेश्वर में रहो। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर में बने रहो, क्योंकि यीशु में सबको प्रेम करता है। हालेलुया। दोनों साथ चलना बहुत मुश्किल है। मैं देख रहा था नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर 365 दिन भी कोई ना कोई फेस्टिवल है, त्यौहार है। आज ये नहीं तो दूसरा, दूसरे दिन तो तीसरा, तीसरे दिन तो एक साल में दो डबल करके भी आ रहा है। हर व्यक्ति के बर्थडे एक साल में एक ही होता है, परंतु तो कुछ ऐसे दो बार आता है। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा, हमें भी पता नहीं है। हालेलुया। उसने ऐसे किया इसलिए हम भी कर रहे हैं। क्या कर रहा है वो भी नहीं मालूम है, किसके लिए उपवास रख रहे वो भी नहीं मालूम है। आटे की रोटी नहीं खाएंगे, परंतु फल फ्रूट खाएंगे, है ना।
आजकल आपको मालूम है अंगूर तो 100 रुपया 110 रुपया आ गया, 70 रुपये पड़ा हुआ था। मैंने पूछा भैया इतना क्यों महंगा हो रहा है, बोले माल की डिमांड ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं क्या कर रहा, हमें भी नहीं मालूम है। मैं सच बोलना चाहता हूं, आंखें खोल दो, एक जीवित परमेश्वर हमें मिल गया। हालेलुया, वो हर दिन हमें चलाने के लिए सामर्थ्य योगी परमेश्वर है। इतना भी नहीं है, पीढ़ियों से वो आशीष हमारे जीवन में देते रहेंगे। हालेलुया, इसलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूं, इस सच्चाई आपने मिल गया, उस सच्चाई पर बने रहो। हालेलुया, आप ही जीवित रहेंगे और आप पीढ़ियों में उस आशीष देखते रहेंगे। हालेलुया, इसलिए मूसा ने बोला जीवन और मृत्यु और अनुग्रह और शाप तुम्हारे सामने रखा हुआ, चुन लो आज। हालेलुया, एक वचन और हम पढ़ेंगे, ये होशू की किताब पे आएंगे। मैं वैसे भी समाप्त कर रहे 24:14 से भी पढ़ेंगे। यहोशू की किताब 24:14। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर, एक मिनट देख लो, खोलना नहीं, आप सिर्फ सुन लेना। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच बोलना चाहता हूं, यहोशुआ अपने लोगों को यह समझा रहा था, जैसे मूसा के बाद में यहोशुआ इस लोगों की लीडर बनकर हालेलुया लोगों को यरदान पार करके लेके वायदा के देश में लेके गया। मैंने बोला ना, फिर भी कुछ लोग अपने पुराना हाथ छोड़ा नहीं है। तो यहोशुआ ने बोला तू आज चुन लो, पिछले दिनों में तुम जिसके पीछे चल रहा था उसके साथ चलो, नहीं तो तुम्हें बचाने वाले को परमेश्वर है उसके साथ चलो। आज हमें एक निर्णय लेकर चलना है। संसार में जितने त्योहार आते रहेंगे जाता रहेंगे, मैं सच बोलना चाहिए सब कुछ एक दिन बिंदु न जा रहे। हालेलुया, अगर वेदारी आएगा सच्चाई प्रकट हो जाएगा, ये सारा झूठा त्योहार सब कुछ बंद हो जाएंगे। आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे बाले हुए बर्द मुझे अच्छा लगेंगे। हालेलुया, हम उसकी आवाज सुन रहे हैं। देख लो, सच्चाई जब प्रकट हो जाएगा हर झूठा खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, आज नहीं तो कल परमेश्वर इस सच्चाई को प्रकट करेंगे। हालेलुया, पूरा भारत देश देखेंगे एक जीवित खुदा। हालेलुया, सब लोग जानेंगे। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, पिछले बार भी मैंने बोला संसार की लोली पोप देखकर हम पिछले नहीं, उससे बढ़कर एक आशीष हमारे लिए परमेश्वर रखा हुआ। हालेलुया, मालूम है हम सबको लेकर एक दिन परमेश्वर हाले स्वर्ग में लेके जाएंगे। हालेलुया, जॉन चैप्टर 14 में लिखा हुआ मैं जाना अच्छा है हालेलुया ताकि जाकर हमारी एक अच्छा जगह परमेश्वर ने तैयार किया। हालेलुया, ये 14:8 के पीछे अगर दौड़ेगा हालेलुया वो जगह हमारे से छुट जाएंगे। स्वर्ग चाहिए ये नहीं पृथ्वी के, ये बात चाहिए तो अपने डिसाइड करो। पर यहोशुआ क्या बोल रहा है, आज चुनना है तो किसकी सेवा करेंगे, तुम्हें मिस्र से छूट देने वाले को परमेश्वर है। अगर कुछ भी करो पर मैं और मेरा घराना उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, मैं आपको यही बात बोलने चाहता हूं, आज एक निर्णय लेकर, संडे का परमेश्वर नहीं है, हर दिन वही परमेश्वर हमारे लिए हमें चाहिए। हालेलुया, संडे यीशु मसीह, और मंडे से सैटरडे तक दूसरा है। हालेलुया, हर दिन के लिए 10-15 के पता नहीं कितनी करोड़ है, पता नहीं, छोड़ दो उधर मैं नहीं जा रहे। हालेलुया, एक दिन एक प्रभु को दास बोला था हालेलुया, अमेरिका के जो पॉपुलेशन है उतना भारत देश की भगवान है। हालेलुया, हाँ वो प्रभु का दास बोला था अमेरिका में जितने पॉपुलेशन है उतना भारत देश में भगवान है। बताओ, मैं सच बोला जा, हमारे आंखें खोल कर देखो,
सकरिया किताब 12 अध्याय में लिखा हुआ पृथ्वी और आसमान और इंसान को बनाने वाला यहोवा ही परमेश्वर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। व्यवस्था वर्णन 6 अध्याय में लिखा हुआ यहोवा एक ही है, उसके तुलना में और कोई नहीं है। इस परमेश्वर को जान लो और उसके साथ चलने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। अपने